हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और यहाँ पर मैं आज आपको देने वाला हूँ टीम फोर टुडे मैच जो होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूँ कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैचेस में अभी तक 3 ODI हो चुके हैं, जिसमें से 3 ODI न्यूजीलैंड ने आराम से जीते हैं। बिना कोई आप कह सकते हैं कोई टफ कॉम्पिटिशन नहीं मिला है अभी तक न्यूजीलैंड को पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान यहाँ पर थोड़ी कमज़ोर सी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप बता दूँ कि अब बेंचेज में बैठे हुए प्लेयर्स को मौका मिलेगा चौथे और पाँचवें मैचेज में, तो थोड़े एक्सपेरिमेंट टीम करेंगी तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे कि कॉलिन मुंडो की जगह पे जॉर्ज वर्कर खेल सकते हैं फोर्थ ODI में, और यहाँ पे हेनरी निकोलस की जगह पे कॉलिन डी ग्रैंडोम आ सकते हैं, और मैट हेनरी फर्गनसन की जगह पर खेल सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। और पाकिस्तान की टीम में अगर देखें तो हरीश सोहेल एंट्री कर सकते हैं, और इसके अलावा शोएब मलिक और हफीज में से कोई एक खेल सकता है, बिकॉज हरीश सोहेल की जगह बनानी पड़ेगी। और बिकॉज बेंच में बैठे हैं और अच्छे प्लेयर हैं और टीम भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं टीम इनको एक मौका देना चाहेगी कि ये भी अपने आप को परफॉर्म कर सकें और टीम को दिखा सकें। और यहाँ पर अज़हर अली का अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो इनकी जगह पे इमाम उलक वापस आ सकते हैं। और इमाम उलक भी एक अच्छे बैट्समैन हैं, और अगर फॉर्म में आते हैं तो ये भी अच्छे खासे रन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये 2-3 चेंजेस हो सकते हैं, और इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज फोर्थ और फिफ्थ ODI आप ये मान के चलिए एक्सपेरिमेंट होते हैं, और फिफ्थ ODI तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता है, बिकॉज टीम मैच या तो जीत चुकी होती है या हार चुकी होती है। जैसे कि आपने अभी देख लिया, 5 में से 3 मैच न्यूजीलैंड जीत चुकी है, तो अब उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर एक आध मैच हार भी जाएंगे। वो कोशिश करेंगे अपने बेंच पर बैठे प्लेयर्स को मौका देने की। तो दोनों ही टीमें ये स्ट्रैटेजी के साथ मैच में उतरेंगी, तो इस चीज़ के लिए आप पहले से तैयार रहें। बात करते हैं यहाँ पर टीम की, तो टीम डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो हम देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होंगे वो टॉम लेथम ही होंगे, बिकॉज सरफराज अहमद उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, और 10 में से 1-2 बार बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, बट बहुत कम परसेंटेज इनके परफॉर्मेंस का। बाकी टॉम लेथम धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं और मुझे लगता है इस मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ से टॉम लेथम के बाद हम बैटिंग में जाते हैं, तो बैटिंग में यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो केन विलियमसन है, मार्टिन गुप्टिल हैं, बाबर आजम है, रॉस टेलर हैं, इन चारों को हम लेंगे। इसके अलावा अजहर अली डाउटफुल रहेंगे कल, और बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बैठेंगे। और कॉलिन मुनरो भी डाउटफुल हैं, बिकॉज टीम और प्लेयर्स को मौका देगी तो इनको बैठना पड़ेगा। फिर मोहम्मद हफीज़ भी थोड़े से डाउटफुल रहेंगे, आप फ़खर जमान के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा निकोलस भी डाउटफुल रहेंगे, आप हरीश सोहेल के साथ जा सकते हैं। 60 से 70% चांस है कि ये कल का मैच खेलेंगे, और अगर आप ग्रैंड लीग खेलें तो उनको कैप्टन वाइस कैप्टन आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद इमाम उलक को आप ले सकते हैं, जिनके ज़्यादा चांस हैं इन कंपेरिजन टू आप कह सकते हैं अज़हर अली की जगह पर इमाम उलक आ सकते हैं। फिर ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से शोएब मलिक भी थोड़े डाउटफुल रहेंगे, कॉलिन डी ग्रैंडोम खेल सकते हैं, इनके ज़्यादा चांस है कल खेलने के। शताब खान तो खेलेंगे ही, सैंडर खेलेंगे, और इसके अलावा टॉडेस्टल खेलेंगे, तो उनमें से आप कोई भी अपना एक प्लेयर ले सकते हैं, दो प्लेयर ले सकते हैं। फिर बॉलिंग में यहाँ से मैं हसन अली को उठा रहा हूँ, टिम साउदी को ले रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट को ले रहा हूँ, फहीम अशरफ को ले रहा हूँ। यहाँ से मैट हेनरी की कल बहुत ज़्यादा चांस है खेलने के, और इसके साथ ही लॉकी फर्गनसन के बहुत कम चांस है, तो ये थोड़े डाउटफुल प्लेयर रहेंगे। इसके अलावा प्राइस के साथ भी जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी टीम कंप्लीट हो जाती है, और अब हम देख लेते हैं हमारी टीम में बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन क्या फिट होते हैं एक स्मॉल लीग के हिसाब से। तो आपके लिए बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन जो हो सकते हैं, वाइस कैप्टन आप शदाब खान को भी रख सकते हैं, कैप्टन भी रख सकते हैं, बिकॉज अच्छे खासे प्लेयर हैं, बैटिंग करने का मौका भी इनको मिल रहा है, बिकॉज पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हो जाता है पाकिस्तान का, तो उनकी थोड़ी सी बैटिंग आ जाती है, और बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो आप इनको कैप्टन बना सकते हैं। वाइस कैप्टन आप साउदी को बना सकते हैं अगर आप डिफरेंशियल जाना चाहते हैं तो, बट अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हैं तो स्मॉल लीग में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से बैट्समैन होंगे, वो भी न्यूजीलैंड के, जैसे कि आप विलियमसन के साथ जा सकते हैं, गुप्टिल के साथ जा सकते हैं, टॉम लेथम के साथ अभी मैं नहीं बोलूँगा आपको, ट्रेंट बोल्ट के साथ आप जा सकते हैं, और इसके अलावा हसन अली और शदाब खान के साथ जा सकते हैं। ये कुछ प्लेयर हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया भी मिडिल ऑर्डर में आके बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये कुछ 6 प्लेयर हैं जिनके साथ आप कल जा सकते हैं स्मॉल लीग में। और अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं तो आप उन प्लेयर्स को ट्राई करें जो अभी तक फॉर्म में नहीं है और बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि बाबर आजम हो गए, और हरीश सोहेल कल खेल सकते हैं, और टॉम लेथम हो गए, और फहीम अशरफ हो गए। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जो अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उतने अच्छा नहीं कर पा रहे जितने अच्छा ये परफॉर्म कर लेते हैं, तो अगर ये अच्छा परफॉर्म करते हैं आपको ग्रैंड लीग जितवा सकते हैं, तो आप ऐसे प्लेयर्स के साथ ग्रैंड लीग खेल सकते हैं। बाकी स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन वही है जो मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल के इतना ही, कोई और न्यूज़ होगी तो आपको दे दूंगा, कोई भी चेंजेस होंगे टीम में तो आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल को ध्यान से ऑन करना पड़ेगा, और आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं अगर कोई अपडेट आती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके गाइज, बाय।